लोग आप पर हंसते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, लोग आपका अपमान करते हैं, आप मन ही मन बड़े कुंठित होते हो, मन ही मन बड़े लज्जित महसूस करते हो और मन ही मन अपने आप को दोष देते रहते हो। इस कंडीशन में क्या करें? जब जीवन में आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये तीन बातें याद रखना। सोते उठते बैठते जागते बस ये तीन बातें अपने मन में रखना, 24 घंटे दिमाग में तीन बातें याद रखना। जब भी लोग आपकी मजाक उड़ाए ये तीन बातें याद कर लेना, जब भी लोग आपका अपमान करे ये तीन बातें याद कर लेना, जब भी लोग आपकी हंसी उड़ाए तो ये तीन बातें याद रख लेना मन में और अपना काम करते रहना। एक दिन ऐसे होगा यही हंसने वाले, यही मजाक उड़ाने वाले, यही आपका अपमान करने वाले एक दिन आपके लिए ताली बजाएंगे। बस ये तीन बातें अपने मन में जिंदा रखना, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में और किसी भी सिचुएशन में ये तीन बातों को अपने दिल से मरने न देना, जिंदा रखना इनको। तो यही लोग जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं आने वाले समय में आपके लिए ताली बजाएंगे। दावा है मेरा, मैच्योरिटी से आपको कह सकता हूं, बस इन तीन बातों को अपने अंदर गांठ बांध लेना आपने और कभी भी इन तीन बातों को अपने दिल से, दिमाग से और विचारों से निकलने मत देना। आज जो हंस रहे हैं ना, कल यही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे हर जगह। तो वो तीन बातें क्या हैं? देखिए, उम्मीद, मन में उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखना, उम्मीद को खत्म मत होने देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग घर बैठ जाते हैं, हार बैठ। ऐसे लोग कौन होते हैं? जिनके मन में उम्मीद खत्म हो चुकी है वो ऐसा करते हैं। जिस इंसान के मन में कहीं ना कहीं उम्मीद का दिया जलता होए ना, वो कभी घर पर नहीं बैठता है। चाहे वो किसी भी कंडीशन, किसी भी सूरत में, वर्स्ट सिचुएशन में भी हो, वो घर पे नहीं बैठता है, वो दौड़ता रहता है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। वही इंसान आगे बढ़ता रहता है, वही इंसान मेहनत करता रहता है जिसके मन में उम्मीद का दिया जलता रहता है। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेना, जिस दिन आपने उम्मीद खो दी आपके अंदर योग्यता होगी ना, वो योग्यता भी खत्म हो जाएगी, वो मेहनत करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। मेहनत करने की क्षमता, योग्यता, ये सब किसके पीछे है? ये सब उम्मीद के पीछे। जिस इंसान को उम्मीद होती है ना, वो मेहनत से काम करता है, दिल लगा के करता है, जोश से काम करता है और अपनी पूरी योग्यता के साथ में काम करता है। लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोग आपका अपमान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दे, लेकिन मन में उम्मीद का दिया जलते रहना चाहिए। आज यही लोग मेरा अपमान कर रहे, लेकिन आने वाले यही लोग मेरी तारीफ करेंगे और यही लोग मुझे मान सम्मान से पुकारेंगे। बस उम्मीद मत खोना, उम्मीद खत्म तो आप खत्म, ये दावा है मेरा हाथ में। जिस इंसान के मन में उम्मीद खत्म हो जाती ना, वो इंसान खत्म हो जाता है। प्रभु पर विश्वास रखना, उम्मीद के साथ साथ जो सर्वशक्तिमान है इस दुनिया में, चाहे आप किसी को भी मानते हो, किसी भी धर्म के हो, अपने भगवान में विश्वास रखना। बस भगवान में विश्वास रखोगे तो यह बात नहीं भगवान आपका कार्य आगे कर लेंगे, बस एक अंदर से आपको एक शक्ति मिलेगी काम करने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, एक अंदर से एक तरंग पैदा होती है। अगर आप प्रभु में विश्वास रखते हो, उम्मीद रखते हो, तो आपको एक काम करने के प्रति एक जोश पैदा होता है, एक अंदर से आत्मविश्वास पैदा होता है कि यार नहीं यार, मेरा यह काम सफल होगा, नहीं मैंने जो लक्ष्य तय किया वो मेरा सफल होगा। यह एक तरह से अंदर से आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है जो इंसान प्रभु में विश्वास रखता है। लोग आप पर हंसे तो हंसने दे, लोग आपको अपमान करे तो करने दे, लोग आपकी बेइज्जती करे तो करने देना, बस मन में प्रभु में विश्वास रखना और मेहनत करते रहना और उम्मीद के साथ में मेहनत करते रहना। भगवान से ऊपर विश्वास रखना कि हे प्रभु, आज यही लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, यही लोग मेरी हंसी उड़ा रहे, कल यही लोग मेरे लिए ताली बजाएं,
यही भगवान से अरदास करते रहना और भगवान में विश्वास करते रहना। अगर भगवान में विश्वास किया ना आपने, तो आपके अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी। आज नहीं तो कल यही लोग आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। इसलिए प्रभु में विश्वास कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में प्रभु पर विश्वास मत छोड़ना, उन पर विश्वास हमेशा बनाए रखना। वो आज नहीं तो कल आपका साथ जरूर देंगे। थर्ड, उम्मीद, प्रभु का विश्वास और मेहनत साथ में करते रहना। आज आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन मेहनत करते रहना, करते रहना। आज नहीं तो कल कभी ना कभी प्रभु तो आपके ऊपर पिघलेंगे। भगवान भी हर किसी के ऊपर मेहरबान नहीं होते, ये ध्यान रख लेना। कहते हैं ना कि अपनी मेहनत से प्रभु का सिंहासन तक हिला देना, इतनी मेहनत करना। कहते हैं ना कि जब भगवान ने भविष्यवाणी की कि 5 साल तक अकाल पड़ेगा, तो सभी लोग अकाल पड़ेंगे, सभी लोग घर पे बैठ, लेकिन किसान रोज खेत जोतता रहा, जोतता रहा। तो भगवान ने कहा कि हे किसान, मैंने तो कहा था कि 5 साल अकाल पड़ेगा, तू खेत क्यों जोत रहा है? तो किसान ने कहा कि प्रभु, मेरा काम कर्म करने का है, अगर मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो 5 साल बाद जब वापिस बारिश होगी तो मैं अपना कर्म करना भूल जाऊंगा, मैं ये खेत जोतना बंद कर दूंगा, मैं ये मेरे ये बैल मेहनत करना भूल जाएंगे। तो यह देखकर प्रभु इतना खुश होते हैं कि उसी वक्त चारों तरफ बरसात ही बरसात होती और हरियाली हो जाती। तो आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हो, अपनी मेहनत से प्रभु को पिघला सकते हो। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखें, जब भी कंडीशन आपकी विपरीत हो, जब भी लोग आपके ऊपर हंसे, जब भी लोग आपको अपमान करें, जब भी लोग आपको बेइज्जत करें, मन में बस ये 3 बातें याद रखना, उम्मीद, प्रभु का विश्वास और मेहनत, बस ये करते रहना, ये करते रहना। जो आज लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आज लोग आपकी बेइज्जती उड़ा रहे हैं, यही लोग आपके आने वाले समय में आपकी तालियां बजाएंगे। बस ये चीजें अपने मन में रखना और कभी भी लोगों को जवाब ऐसे मत देना, अपनी वाणी से लोगों को जवाब मत देना, अपनी मेहनत से लोगों को जवाब देना और सफलता पाकर लोगों को जवाब देना। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना, यही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे।